आपकी खुशी में, आपके गम में, आपकी आंसुओं में, आपकी मुस्कुराहटों में, आपके आज में, आपके कल में, आपके साथ होगी एक कहानी और मैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल कथा सागर में। दोस्तों, आज मैं आप सब लोगों के लिए जयशंकर प्रसाद जी की एक कहानी लेके आई हूँ, जिसका शीर्षक है शरणागत। उनकी कहानियाँ बहुत ही रोचक होती हैं। उनकी भाषा शैली बाकी लेखकों से बहुत ही अलग है। तो दोस्तों, आशा करती हूँ उनकी अन्य कहानियों की भांति उनकी ये कहानी भी आपको पसंद आएगी। अगर कहानी पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपका एक कमेंट ज़रूर करिएगा बताने के लिए कि कहानी आपको पसंद आई कि नहीं। तो चलिए दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत करते हैं। प्रभातकालीन सूर्य की किरणें अभी पूर्व के आकाश में नहीं दिखाई पड़ती हैं। तारों का क्षीण प्रकाश अभी अंबर में विद्यमान है। यमुना के तट पर दो तीन रमणियाँ खड़ी हैं और दो यमुना की उन्हीं क्षीण लहरियों में, जो कि चंद्र के प्रकाश से रंचित हो रही हैं, स्नान कर रही हैं। अकस्मात पवन बड़े ही वेग से चलने लगी। इसी समय एक सुंदरी, जो कि बहुत ही सुकुमारी थी, उन्हीं तरंगों में निमग्न हो गई। दूसरी, जो कि घबराकर निकलना चाहती थी, किसी काट का सहारा पाकर तट की ओर खड़ी हुई अपनी सखियों से जा मिली, पर वहां सुकुमारी नहीं थी। सभी रोती हुई यमुना के तट पर घूमकर उसे खोजने लगी। अंधकार हट गया, अब सूर्य भी दिखाई देने लगा। कुछ ही देर में उन्हें घबराई हुई स्त्रियों को आश्वासन देती हुई एक छोटी सी नाव दिखाई दी। उन सखियों ने देखा कि वो सुकुमारी उसी नाव पर एक अंग्रेज और एक लेडी के साथ बैठी हुई है। तट पर आने पर मालूम हुआ कि सिपाही विद्रोह की गड़बड़ से भागे हुए एक संभ्रांत यूरोपियन दंपति उस नौका के आरोही हैं। उन्होंने सुकुमारी को डूबते हुए बचाया और इसे पहुंचाने के लिए वो लोग यहाँ तक आए हैं। सुकुमारी को देखते ही सब सखियों ने दौड़कर उसे घेर लिया और उससे लिपट लिपट कर रोने लगी। अंग्रेज और लेडी दोनों ने जाना चाहा, पर वो स्त्रियाँ कब मानने वाली थीं। लेडी साहिबा को रुकना ही पड़ा। थोड़ी देर में ये खबर फैल गई कि उस गांव के जमींदार ठाकुर किशोर सिंह भी उस स्थान पर आ गए। अब उनके अनुरोध करने से विल्फ्रेड और एलिस को उनका आतिथ्य स्वीकार करने के लिए विवश होना पड़ा, क्योंकि सुकुमारी किशोर सिंह की स्त्री थी जिसे उन लोगों ने बचाया था। चंदनपुर के जमींदार के घर में, जो यमुना तट पर बना हुआ है, पाई बाग के भीतर एक रवीश में चार कुर्सियां पड़ी हैं। एक पर किशोर सिंह और दो कुर्सियों पर विल्फ्रेड और एलिस बैठे हैं तथा चौथी कुर्सी के सहारे सुकुमारी खड़ी है। किशोर सिंह मुस्कुरा रहे हैं और एलिस आश्चर्य की दृष्टि से सुकुमारी को देख रही है। विल्फ्रेड उदास हैं और सुकुमारी मुख नीचा किए हुए हैं। सुकुमारी ने कनखियों से किशोर सिंह की ओर देखकर अपना सिर झुका लिया। एलिस ने कहा, बाबू साहब, आप इन्हें बैठने की इजाज़त दें। किशोर सिंह, मैं कब मना करता हूँ। एलिस सुकुमारी को देखकर बोली, फिर वो क्यों नहीं बैठती। किशोर सिंह, आप कहिए, शायद बैठ जाएं। विल्फ्रेड, हाँ, आप खड़ी क्यों हैं। बेचारी सुकुमारी लज्जा से गड़ी जाती थी। एलिस सुकुमारी की तरफ देखते हुए बोली, अगर आप नहीं बैठेंगी तो मुझे बहुत रंज होगा, बैठ जाइए। किशोर सिंह, यूं नहीं बैठेंगी, हाथ पकड़कर बिठाइए इनको। एलिस सचमुच उठी, पर सुकुमारी एक बार किशोर सिंह की ओर वक्र दृष्टि से देखकर हंसती हुई पास की बाहरदरी में भागकर चली गई, किंतु एलिस ने पीछा ना छोड़ा। वो भी वहां पहुंची और उसे पकड़ लिया। सुकुमारी एलिस को देखकर गिड़गिड़ाकर बोली, क्षमा कीजिए, हम लोग पति के सामने कुर्सी पर नहीं बैठती और ना कुर्सी पर बैठने का अभ्यास ही है। एलिस चुपचाप खड़ी रह गई। वो सोचने लगी कि क्या सचमुच पति के सामने कुर्सी पर नहीं बैठना चाहिए। फिर उसने सोचा, वो बेचारी जानती ही नहीं कि कुर्सी पर बैठने में क्या सुख है। चंदनपुर के जमींदार के यहाँ आश्रय के लिए यूरोपियन दंपति पर सब प्रकार से सुख से रहने पर भी सिपाहियों का अत्याचार सुनकर शंकित रहते थे। दयालु किशोर सिंह यद्यपि उन्हें बहुत आश्वासन देते, तो भी कोमल प्रकृति की सुंदरी एलिस सदा भयभीत रहती थी। दोनों दंपति कमरे में बैठे हुए यमुना का सुंदर जल प्रवाह देख रहे हैं। विचित्रता यह है कि सिगार न मिल सकने के कारण विल्फ्रेड साहब सटक के सहारे लगा रहे हैं। अभ्यास न होने के कारण सटक से उन्हें बड़ी अड़चन पड़ती थी।
उस पर सिपाहियों के अत्याचार का ध्यान उन्हें और भी उद्विग्न किए हुए था, क्योंकि एलिस का भय से पीला मुख उनसे देखा ही नहीं जाता था। इतने में बाहर कोलाहल सुनाई पड़ा। एलिस के मुख से ओ माय गॉड निकल पड़ा और भय से वो मूर्छित हो गई। विल्फ्रेड और किशोर सिंह ने एलिस को पलंग पर लिटाया और आप बाहर क्या है सो देखने के लिए चले गए। विल्फ्रेड ने अपनी राइफल हाथ में ली और साथ में जाना चाहा, पर किशोर सिंह ने उन्हें समझाकर बैठाया और आप खूंटी पर लटकती तलवार लेकर बाहर निकल गए। किशोर सिंह बाहर आ गए, देखा तो 5 कोस पर जो उनका सुंदरपुर ग्राम है उसे सिपाहियों ने लूट लिया और प्रजा दुखी होकर अपने जमींदार से अपनी दुख गाथा सुनाने के लिए आई है। किशोर सिंह ने सबको आश्वासन दिया और उनके खाने पीने का प्रबंध करने के लिए कर्मचारियों को आज्ञा देकर आप विल्फ्रेड और एलिस को देखने के लिए भीतर चले आए। किशोर सिंह स्वाभाविक दयालु के थे और उनकी प्रजा उन्हें पिता के समान मानती थी और उनका उस प्रांत में भी बड़ा सम्मान था। वो बड़े इलाकेदार होने के कारण छोटे से राजा भी समझे जाते थे। उनका सब पर प्रेम बराबर था, किंतु विल्फ्रेड और सरला एलिस को भी बहुत चाहने लगे, क्योंकि प्रियतमा सुकुमारी की उन लोगों ने प्राण रक्षा की थी। किशोर सिंह भीतर आए, एलिस को देखकर कहा, डरने की कोई बात नहीं है, ये मेरी प्रजा थी। समीप के सुंदरपुर गांव में वो सब के सब लोग रहते हैं। उन्हें सिपाहियों ने लूट लिया है, उनका बंदोबस्त कर दिया गया है, अब उन्हें यहाँ कोई तकलीफ नहीं होगी। एलिस ने लंबी सांस लेकर आंखें खोल दीं और कहा, क्या वो सब गए? सुकुमारी, घबराओ मत, हम लोगों के रहते तुम्हारा कोई अनिष्ट नहीं हो सकता। विल्फ्रेड, क्या सिपाही रियासतों को लूट रहे हैं? किशोर सिंह, हाँ, पर अब कोई डर नहीं है, वो लूटते हुए इधर से निकल गए हैं। विल्फ्रेड, अब हमको कुछ डर नहीं है। किशोर सिंह, आपने क्या सोचा? विल्फ्रेड, अब ये सब अपने भाइयों को लूटते हैं तो शीघ्र ही अपने अत्याचार का फल पाएंगे और इनका कुछ न होगा। किशोर सिंह ने गंभीर होकर कहा, ठीक है। एलिस ने कहा, मैं आज आप लोगों के संग भोजन करूंगी। किशोर सिंह और सुकुमारी एक दूसरे का मुख देखने लगे। फिर किशोर सिंह ने कहा, जी बहुत अच्छा। साफ दालान में 2 कंबल अलग अलग दूरी पर बिछा दिए गए हैं। एक पर किशोर सिंह बैठे थे और दूसरे पर विल्फ्रेड और एलिस। पर एलिस की दृष्टि बार बार सुकुमारी की खोज रही थी और वो बार बार यही सोच रही थी कि किशोर सिंह के साथ सुकुमारी अभी नहीं बैठी। थोड़ी देर में भोजन आया, पर खानसामा नहीं, स्वयं सुकुमारी एक थाल लिए है और 3-4 औरतों के हाथों में भी खाद्य और पेय वस्तुएं हैं। किशोर सिंह के इशारा करने पर सुकुमारी ने वो थाल एलिस के सामने रखा और इसी तरह विल्फ्रेड और किशोर सिंह को परोस दिया गया, पर किसी ने भोजन आरंभ नहीं किया। एलिस ने सुकुमारी से कहा, आप क्या यहाँ भी नहीं बैठेंगी? क्या यहाँ भी कुर्सी है? सुकुमारी, मैं बैठ जाऊँगी तो परोसेगा कौन? एलिस, खानसामा परोसेगा? सुकुमारी, क्यों, क्या मैं नहीं हूँ? किशोर सिंह, आप जिद न कीजिए, ये हमारे भोजन कर लेने पर भोजन करती हैं। एलिस ने आश्चर्य और उदासी भरी एक दृष्टि सुकुमारी पर डाली। एलिस को भोजन कैसा लगा सो नहीं कहा जा सकता। भारत में शांति स्थापित हो गई है। अब विल्फ्रेड और एलिस अपनी नील की कोठी पर वापस जाने वाले हैं। चंदनपुर में उन्हें बहुत दिन रहना पड़ा, नील कोठी वहां से दूर है। 2 घोड़े सजे सजाए खड़े हैं और किशोर सिंह के 8 सशस्त्र सिपाही उनको पहुंचाने के लिए उपस्थित हैं। विल्फ्रेड साहब किशोर सिंह से बातचीत करके छुट्टी पा चुके हैं, केवल एलिस अभी तक भीतर से नहीं आई, उन्हीं के आने की देर है। विल्फ्रेड और किशोर सिंह बाईपाग में टहल रहे थे, इतने में 8 स्त्रियों का झुंड मकान से बाहर निकला। ये क्या, एलिस ने अपना गाउन नहीं पहना? उसके बदले फिरोजी रंग के रेशमी कपड़े का कामदानी लहंगा और मखमल की कंचुकी जिसके सितारे रेशमी ओढ़नी के ऊपर से चमक रहे हैं। हैं, ये क्या है? स्वाभाविक अरुण अधरों में पान की लाली भी है, आंखों में काजल की रेखा भी है, चोटी फूलों से गुथी जा चुकी है और मस्तक में सुंदर सा बाल अरुण का बिंदु भी तो है। देखते ही किशोर सिंह खिलखिलाकर हंस पड़े और विल्फ्रेड तो भौचक के से रह गए। किशोर सिंह ने एलिस से कहा, आपके लिए भी घोड़ा तैयार है, पर सुकुमारी ने कहा, नहीं, इनके लिए पालकी मंगा दो। तो दोस्तों, आशा करती हूँ आपको ये छोटी सी कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी अच्छी लगी
तो मेरी इस कहानी को लाइक कीजिएगा और इस पर कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही अगर ये चैनल और इसकी कहानियाँ आपको पसंद आ रही हैं तो मुझे प्रोत्साहन देने के लिए अपने दोस्तों और जानकारों में इसे शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि वो लोग भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकें और ऐसी अनेकों कहानियों का आनंद उठा सकें। दोस्तों, हिंदी साहित्य जो है एक सागर के समान है। इसमें इन कहानियों के रूप में अनेकों बूंदें हैं। बहुत बहुत अपार सागर है ये, और मैं चाहती हूँ कि हर एक जनता तक ये सागर की बूंदें जो हैं वो मैं पहुँचा सकूँ। हमें हिंदी साहित्य को प्रोत्साहन देने के लिए ये कहानियाँ कई लोगों तक पहुँचानी हैं, तो आशा करती हूँ आप लोग इसमें मेरी मदद अवश्य करेंगे। आपसे जल्द ही मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए और खूब स्वस्थ और मस्त रहिए। नमस्कार।